आज मैं आप लोग के साथ खीर का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। ये झटपट बन भी जाते हैं और दूध वाले खीर जल्दी बन भी जाते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी अरवा चावल लिया है, इसे दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो करके साफ कर लेंगे। मैंने चावल को दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। मैंने यहाँ एक लीटर दूध लिया है, इसे पहले से खोलने के लिए चढ़ा दिया था। अब इसमें धुले हुए चावल को डाल देंगे। अब इसे चम्मच से चला देंगे ताकि नीचे चावल ना बैठे। इसे बीच बीच में भी चलाते रहेंगे। खीर को चलाते हुए पकाते रहेंगे। देखिए खीर गाढ़ा हो गया है। देखिए खीर अच्छी तरह से पक गए हैं। मैं चावल को दबा करके दिखाती हूँ। देखिए अच्छी तरह से दब रहे हैं, खीर पक गए हैं। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इलायची डाल करके इसे सिर्फ 2 मिनट ही पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद इसमें किशमिश डाल देंगे। अब इसमें मैंने गुड़ का चूरा लिया है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये चूरा लगभग 2 चम्मच है, आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ का चूरा डाल सकते हैं। गुड़ डालने से खीर बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। गुड़ का चूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैंने तवा को पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और उसमें 1 चम्मच घी डाला है। उसमें कुछ काजू और किशमिश डाल करके भून लेंगे। मैंने भुने हुए आधा काजू और किशमिश को खीर में डाल दिया है। ये वीडियो मैं नहीं दिखा पाई थी और कुछ को रख देंगे। काजू किशमिश अच्छे तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल देती हूँ। मैंने खीर को एक बाउल में निकाल दिया है। अब इसे डेकोरेट कर देती हूँ। कुछ काजू किशमिश को उसके ऊपर डाल देंगे। स्वादिष्ट खीर बन करके तैयार हो गए हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसमें मैंने गुड़ डाला है, चीनी नहीं डाला है। गुड़ डालने से खीर बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं। ये खीर आपको भी पसंद आएगा और बच्चों को भी पसंद आएगा।